एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ईओआर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। इसका आईएलटीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स होता है जब आप अपने बैंड स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हैं और आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं ईओआर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। हमें यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी कि हमें ईओआर के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि उन्हें ईओआर अप्लाई करना चाहिए या फिर उन्हें एग्जाम रीटेक करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किन कैंडिडेट्स को ईओआर अप्लाई करना चाहिए और किन कैंडिडेट्स को ईओआर नहीं अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाई अ कैंडिडेट शुड गो फॉर एन ईओआर। If a candidate is satisfied with his performance, they must go for an EOR, because these days students are getting increase in their band score after EOR. Students को क्यों करना चाहिए EOR के लिए apply? अगर उनको लगता है कि जो उनकी performance थी और score उसके according नहीं आया, तो उनको EOR apply करना चाहिए। कुछ student EORs नहीं करते apply और वो दोबारा paper दे देते हैं और sometime दोबारा exam में भी उनका score नहीं आता। अगर आप इतने श्योर हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और आपने सारा बैंड क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर्स आपका एग्ज़ाम चेक करते हैं वो फुलफिल किया है, तो आपको ईओआर जरूर अप्लाई करना चाहिए। वी हैव सीन इन मेनी केसेस दैट स्टूडेंट हैव गॉट 0.5 और 1 बैंड इंक्रीमेंट आफ्टर एन ईओआर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर एन ईओआर। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री हैं अपनी परफॉर्मेंस से तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होके भी ईओआर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल में इसकी फीस है 6500 एंड इन आईडीपी द फी इज 9500। यू कैन नॉट टेक रिस्क विद योर मनी। अगर आप कॉन्फिडेंट अपनी परफॉर्मेंस को लेके अकॉर्डिंग टू द चेकिंग क्राइटीरिया, अब मैं आपसे इस एग्जाम का स्पीकिंग और राइटिंग का चेकिंग क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी डिटेल में। अगर आपकी उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो ही आपको ईओआर अप्लाई करना चाहिए। अगर हम स्पीकिंग की एग्जाम्पल लें, स्पीकिंग में बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग आप 4 स्किल्स पे चेक होते हैं, प्रोनंसिएशन, ग्रामेटिकल रेंज, लेक्सिकल रिसोर्स, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अगर आप इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपको ईओआर अप्लाई नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं है तो आपका स्कोर कभी भी 9 out of 9 और 8 out of 9 नहीं आ सकता, तो आपको ईओआर अप्लाई करने का कोई यूज़ नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इन दैट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फुल रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द पर्सन कैन स्पीकिंग दैट फुल रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस नेचुरली। ही शुड स्पीक लाइक इफ ही इज नॉट अ नेटिव स्पीकर बट ही स्पीक्स लाइक अ नेटिव स्पीकर। देन द अदर टू क्राइटेरियाज आर लेक्सिकल रिसोर्स एंड फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। इन लेक्सिकल रिसोर्स यू मस्ट यूज वोकैबुलरी विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू शुड यूज फ्यू इडियम्स एक्यूरेटली एज वेल। इन फ्लुएंसी यू मस्ट बी फ्लुएंट बट दैट डजंट मीन यू आर मिसिंग द वर्ड। इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड नॉट बी रेपिटिशन और सेल्फ करेक्शन। इट कैन बी बट ओनली रेयर। And they must speak coherently. If you are fulfilling these 4 criteria, fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy and pronunciation, then only you must go for an EOR. If you are not sure whether you are confident and you are repeating the sentence, then you must go for an EOR. And for example, if a student stops before 1 minute in the speaking topic, cue card, they should not try for an EOR. They must work on their speaking skill rather than going for it. And why a student must go? Because speaking and writing are assessed by an examiner, and sometime the examiner who is assessing your speaking and writing, when you go for an EOR, it is sent in the Cambridge and 2 other independent examiners give you independent mark, sometime you get better score. So you must try it. If we talk about writing, in writing you are checked on 4 skills. One is task response, task achievement, then coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy. In task 1, checked for task response. In task 2, you are checked for task achievement. That means you are fully satisfying all the requirements of task
whatever you are asked in the task. Then in coherence and cohesion, you are writing it skillfully, you are managing the paragraphing, and the sequence is correct, the ideas are logical. A lexical resource, again using wide range of vocabulary. In lexical resource, you're using range of vocabulary naturally and with minor errors. And the last criterion, writing, is grammatical range and accuracy. There are students who are not aware about grammatical range and accuracy. They feel that if the grammar is correct, they are going to score in IELTS writing. But it's not like that. If you're not using correct sentences, you're not making combination of range of sentences like compound, complex and simple, then you're not going to score 8, 9 or 7 band in IELTS writing. If you want to score more than 7 in writing, you must fulfill all these 4 criteria. If a student is going for inquiry on results, they must check whether they have used grammatical range of sentences, the grammar is correct, there is a good range of vocabulary, then they have achieved the task, the response is correct, then the cohesion and coherence is there. If you have fulfilled all the criteria of marking, then you must go for an EOR, because you can get not only 0.5, you can get 1 band, or sometime we have seen few cases that student get increment of 1.5 band as well. So if you are sure, you must go for an EOR before taking an exam again. हमारे भी कई students ने EOR apply करना चाहा, लेकिन हमने हर student को apply करने से मना किया, क्योंकि हमको पता था कि उन लोगों ने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया और उनमें कुछ ना कुछ कमी थी, क्योंकि उन लोगों ने हमसे आके अपना एग्जाम डिस्कस किया था. मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि स्पीकिंग और राइटिंग के केस में आपको ईओआर जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप श्योर हैं, लेकिन लिसनिंग और रीडिंग जो कंप्यूटराइज चेक होती है उसमें बहुत कम चांस है कि आपका बैंड इंक्रीमेंट हो. तो अगर कोई कैंडिडेट अपने लिसनिंग और रीडिंग से सेटिस्फाई नहीं है तो उनको ईओआर अप्लाई नहीं करना चाहिए. हमारे एक स्टूडेंट ने ईओआर अप्लाई किया और उसको बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिला. उसको 7 ईच की रिक्वायरमेंट थी और उसके राइटिंग में 6.5 थे, बट शी वॉज वेरी श्योर एंड वी वर ऑल्सो श्योर अबाउट हर राइटिंग एंड शी अप्लाइड फॉर एन ईओआर एंड शी स्कोर्ड 0.5 इंक्रीमेंट. हम आपको उनकी टीआरएफ भी शेयर कर रहे हैं.